हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चटपटा झाल मुड़ी, या फिर ये आप बोल सकते हैं भेलपुरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ये मुरमुरा ले लिया है। तो यहाँ पर मुरमुरा अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए। अगर आपका मुरमुरा थोड़ा सा सोगी हो गया है तो आप भून लीजिए क्रिस्पी होने तक और इसको यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मेरा मुरमुरा क्रिस्पी है तो मैं इसको नहीं भूनूंगी। और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अभी हम यहाँ पर डाल देंगे मिक्सर। तो इसकी जगह आप सेब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्सर लिया है मैंने, तो इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड किया हुआ है तो मैं और कुछ नहीं डालूंगी। और यहाँ पर हम डालेंगे प्याज, और यहाँ पर मैं उबला हुआ आलू ले लिया है, और यहाँ पर उबला हुआ मटर ले लिया है। मैंने नमक डाल के इसको उबाल लिया था, और यहाँ पर मैंने हाफ टमाटर भी ले लिया है। और अभी हम यहाँ पर डाल देंगे चिली। तो यहाँ पर मैंने 1 चिली ले लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। धनिया का पत्ता हम यहाँ पर डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाला है। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अचार का तेल, ये आम का अचार का तेल है, किसी भी अचार का तेल है तो आप इसको ऐड कीजिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर नहीं है तो इसके जगह आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप मिक्सचर के बदले आप सेब का यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीनट भी भून लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए। मिक्सचर में सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड है तो मैं अलग से पीनट को नहीं भून रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये झाल मुढ़ी बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं, पर ऐसे ही सिंपल ये चटपटा झाल मुढ़ी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको हम सर्व कर लेंगे और ये इंस्टेंट स्नैक्स भेलपुरी बनके रेडी हो गया है। आप इससे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।